सब लोग शेरी बैक अगेन एंड आपका मेरी क्यू एंड ए सीरीज पार्ट 13। इससे पहले आपने मेरी क्यू एंड ए सीरीज पार्ट 12 तक देखा होगा एंड आपने अगर नहीं देखा बिल्कुल जाके देखना। एंड जैसे आप मेरा यूट्यूब चैनल खोलते हो, अब शेरी व्लॉग डालते हो यूट्यूब में सर्च मार, तो मेरा नाम आता है, मेरा चैनल आता है, उसमें आपको चैनल में दबाना है, आपको जाना है प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको मिलेगा क्यू एंड ए सीरीज, तो आपको उसमें दबा के आप उसमें मेरे सारे पार्ट देख सकते हो। इससे पहले मेरे 12 पार्ट आ चुके हैं, सो आपका मैं मेरी क्यू एंड ए सीरीज पार्ट 13 में बहुत बहुत हेलो फ्रेंड्स, ये सब लोग शेरी बैक अगेन एंड आपका मेरी क्यू एंड ए सीरीज पार्ट 13। इससे पहले आपने मेरी क्यू एंड ए सीरीज पार्ट 12 तक देखा होगा एंड आपने अगर नहीं देखा बिल्कुल जाके देखना। एंड जैसे आप मेरा यूट्यूब चैनल खोलते हो, अब शेरी व्लॉग डालते हो यूट्यूब में सर्च मार, तो मेरा नाम आता है, मेरा चैनल आता है, उसमें आपको चैनल में दबाना है, आपको जाना है प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको मिलेगा क्यू एंड ए सीरीज, तो आपको उसमें दबा के आप उसमें मेरे सारे पार्ट देख सकते हो। इससे पहले मेरे 12 पार्ट आ चुके हैं, सो आपका मैं मेरी क्यू एंड ए सीरीज पार्ट 13 में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा जाएंगे हमारे क्वेश्चन पार्ट्स में। तो बेसिकली आज मुझे क्वेश्चन मिले हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन मिले हैं, मैं अच्छी वेट कर रहा था कि मैं क्वेश्चन मिले एंड बाकी मैं आपको पूरा इसमें प्रॉपर दिखा पाऊँ। एंड क्वेश्चन देखो, मैं कहता क्वेश्चन मुझे कैसे आते हैं, एक तो आते हैं मुझे मेरे ब्लॉग के कमेंट में, एक आते हैं मुझे मेरे फ़ोन में, मैं अपना सारा शेयर करता हूँ व्हाट्सएप इंस्टा में कि ऐसे मेरे चैनल के लिए मुझसे जो भी पूछे पूछ सकते हो, एक तो मुझे वहाँ पर आते हैं, एक आते हैं मुझे मेरे ब्लॉग के चैनल में। तो बाकी हम चलते हैं पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है क्यू एंड ए सीरीज पार्ट 13 का, यूर एग्जैक्ट लोकेशन। सो ये एक्सैक्ट लोकेशन, एक्सैक्ट तो मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन ये बता सकता हूँ कि मैं रहता हूँ हमारे PGDAV कॉलेज एंड कैम्बी स्कूल के पास। सो ध्यान से सुनना पहले क्वेश्चन का आंसर, ये एक्सैक्ट लोकेशन, तो मैं एक्सैक्ट लोकेशन है नियर PGDAV कॉलेज एंड नियर कैम्बी स्कूल। सो ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। सो सेकेंड क्वेश्चन है, यूट्यूब करियर इज ईजी या नॉट? YouTube करियर इज़ नॉट एट ऑल ईजी। आपका अभी टाइम हो रहा है रात के 12:30, तो 12:30 बजे मैं अपनी क्यू एंड ए सीरीज शूट कर रहा हूँ। शूट करने के बाद मुझे इसे एडिट करते करते कितना टाइम लगेगा, एंड मॉर्निंग में आपको पता है मेरे व्लॉग एंड मेरी वीडियोस 9 बजे के बाद एंड 9:30 के अंदर मेरे व्लॉग एंड वीडियो आ जाती है। तो सोचो मैं रात को 2 बजे तक सो के सुबह उठ के फिर डालता हूँ, सो इससे बड़ी बात है बाकी शूट करना सबके सामने, तो मतलब पहले इतना हो नहीं पाता, बाद में फिर याद हो जाती है। सो आसान नहीं है करियर यूट्यूब में, मुश्किल है, लेकिन जो बंदे में करने की हिम्मत है, गट्स है, वो बिल्कुल करेगा। सो यूट्यूब करियर इज़ नॉट ईजी, बट अगर करने की इच्छा हो तो सब कुछ आसान बन जाता है, सो आप कोशिश कर सकते हो। एंड थर्ड क्वेश्चन है, विच यूट्यूब कंटेंट यू प्रेफर मोर? मैं कौन सा YouTube कंटेंट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ? मैं सिर्फ कोई पर्टिकुलर कंटेंट प्रेफर नहीं करता, बेसिकली सारे कंटेंट अच्छे होते हैं, वो अपने हिसाब से होते हैं। जैसे किसी को पसंद होता है फ़ोन में गेमिंग खेलना, जैसा जानते हो बंदे को कोई फ़ोन में पसंद करते हैं गेमिंग खेलना, जैसे कि ऐसे भाई इसे गोली मार, तो ऐसे बहुत सारे बंदों को पसंद होता है ऐसे गेमिंग चैनल का यूट्यूब में। एंड मुझे पसंद है व्लॉगिंग का, एंड ऐसे सबका अपना अपना अलग कंटेंट होता है, तो इस हिसाब से आप कोई भी अपना कंटेंट चूज़ कर सकते हो, यहाँ पर डिपेंड है, मैं कोई पर्टिकुलर नहीं करता। लेकिन मैं जो पर्टिकुलरली आपको बोलूँगा कि जो उस टाइम डिमांड में चल रहा हो वो कंटेंट पकड़ो, आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। सो फोर्थ क्वेश्चन है, विच प्लेस इज गुड फॉर पार्टी प्लेस इन दिल्ली? मतलब अब दिल्ली में पार्टी वार्टी करने के लिए कौन सी जगह बेस्ट है? सो इसका आंसर मैं आपको ऐसे दूंगा कि दिल्ली में पार्टी के लिए सबसे बेस्ट जगह है CP कैनॉट प्लेस। वहाँ पे आप जाओ, आप वहाँ पे हर तरह के आपको रेस्टोरेंट एंड मतलब जो भी आपको खाने पीने में जो भी चाहिए है A to Z आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको A to Z कोई ऐसी चीज़ नहीं आपको ना मिले, A to Z आपको सब कुछ मिल जाएगा, वो है CP कैनॉट प्लेस। ओके, मैं आपको वहाँ का व्लॉग दिखाऊंगा बना के बहुत जल्दी कैनॉट प्लेस का। सो फिफ्थ क्वेश्चन आया है, ये ऐसे मुझे व्हाट्सएप में आया था, ये क्वेश्चन मुझे आया था व्हाट्सएप में, फिफ्थ क्वेश्चन। सो ये मुझे व्हाट्सएप में आया था मुझे ये फिफ्थ क्वेश्चन कि मतलब क्या है क्वेश्चन, मैं पढ़ देता हूँ। विच प्लेस यू लव मोस्ट? इट इज़ दिल्ली और अदर?
आपको कौन सी जगह ज़्यादा पसंद है, दिल्ली या कोई और जगह पसंद है ज़्यादा? सो मैं अगर कहूँ, हम अगर बचपन से यहाँ पे मतलब बड़े हुए हैं, मतलब बोर्न एंड बोटो दिल्ली का है, उनके लिए कोई और जगह जाके मतलब सेटल होना, पसंद आना तो ऐसा मुश्किल हो जाता है। सो जहाँ पे हम बचपन से खेले कूदे हैं, बड़े हुए हैं, तो वही हमारी फेवरेट जगह बन जाती है। बट लेकिन आपने मुझसे पूछा है तो विच प्लेस यू लव मोस्ट, सो मुझे तो पसंद है पंजाब, क्योंकि बेसिकली जैसे आप मोस्ट बहुत तो जानते हैं से मैं पंजाबी हूँ। सो मुझे ज़्यादा पसंद है पंजाब में छोटा सा घर हो, साइड में खेत हो, इसका अच्छा मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, मेरा जो ड्रीम हाउस जो मुझे बनाना है पंजाब में, सो अपना साइड पर खेत हो एंड बीच में छोटा सा घर हो, ज़्यादा बड़ा भी ना हो। अब जैसे कि अब 2 BHK 3 BHK का घर हो एंड अच्छा सा हॉल हो, बाकी ऐसा अच्छी लाइफ हो, क्योंकि ना पंजाब में ऐसे ना मतलब ऐसे टाइप एरिया में ना पोल्यूशन नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती, एंड इससे बढ़ के नो ट्रैफिक नो पोल्यूशन सबसे बेस्ट जगह होती है, इसमें मुझे पंजाब ज़्यादा पसंद है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कब मैच्योर होंगे प्रॉपरली? देखो मैं तो मैच्योर हूँ, लेकिन मेरा क्या नेचर है कि बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूँ, बड़ों के साथ बड़ा बन जाता हूँ, जैसे मैं सामने बंदे होते हैं उनके साथ वैसे बन जाता हूँ। सो ऐसी कोई बात नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है मुझे में, मैच्योरिटी बहुत है, लेकिन सामने जो बंदा जैसे है उनके साथ वैसा बन जाता हूँ। एक तरह से इसे आप टैलेंट समझ लो या फिर जो भी समझना समझ लो, लेकिन जो जैसे कि मेरे सामने कोई बच्चा बैठा है उसके साथ मैं 5 साल का बच्चा बन जाता हूँ, कोई बड़ा बैठा है उसमें उसके साथ बड़ा बन जाता हूँ। सो मैं सबके साथ मिक्स मैच जल्दी हो जाता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉन्ग यू लव मोर, ओल्ड और न्यू सॉन्ग? मुझे बेसिकली मुझे सॉन्ग पसंद है पुराने, क्योंकि पुराने गाने में बेशक इतनी बीटिंग ना हो लेकिन गाने का कोई मतलब होता था। जैसे मैं आपको गाना सुनाता हूँ, एक गाना आया था कौन सा, हाँ, उड़ जब जब जुल्फे तेरी, उड़ जब जब जुल्फे तेरी, तो एक गाना आया था, इसमें यह था कि पूरी पूरी मतलब इन्होंने लाइन का एक एक लाइन का उस टाइम एक्शन करके पूरा सब दिखाया था। लेकिन अभी के गाने में क्या है, यो करके पता नहीं क्या पूरा, और मतलब ऐसे पूरा मिक्स मैच रिमिक्स कर देते हैं गाने को, रिमिक्स मोड में उस मोड में, तो ये मुझे पसंद नहीं है। मुझे सिंपल गाने जो कि समझ जाए एंड अच्छे लगे मुझे वो ज़्यादा पसंद है, तो इस हिसाब से मुझे ओल्ड सॉन्ग मुझे ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन है, विच सिंगर यू लव मोस्ट इन मेल और ऑल्सो इन फीमेल? देखो फीमेल में मेरी एक फेवरेट सिंगर है जो कि है नेहा कक्कड़, फीमेल में मैं उसके गाने बहुत सुनता हूँ, एंड मेल में मेरा एक फेवरेट सिंगर है जो है, एनी आइडिया गेस करो, अरिजीत सिंह। ठीक है, तो मेल में है मेरा सिंगर अरिजीत सिंह जो कि बहुत बढ़िया बढ़िया रोमांटिक गाने गाता है, एंड फीमेल में है नेहा कक्कड़ अभी के टाइम में। और जो जो गाने जो मुझे गाने पसंद है, बेसिकली मैंने इससे क्वेश्चन इससे पहले क्वेश्चन बोला है कि मुझे पुराने गाने पसंद है, तो उनके मुझे इतने सिंगर का नॉलेज नहीं है, बट मैं ज़्यादा पुराने गाने सुनता हूँ, लेकिन अभी के जो मॉडर्न गाने सुनता हूँ उसमें मुझे दो पसंद है, नेहा कक्कड़ एंड अरिजीत सिंह। सो ये था आज का हमारा क्यू एंड ए सीरीज, मैं होप करता हूँ कि मैं आपके सब क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाया हूँगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, सपोर्टिंग मी, ऐसे मुझे कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, मुझे आगे बढ़ाते रहो, मौके से बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स एंड वीडियोस मैं भी दिखाते रहूँगा। सो फ्रेंड्स, बाकी जैसे मैं बोला, मैं एक रेस में हूँ, मैं कुछ में हूँ, एक टारगेट में हूँ 100 सब्सक्राइबर, जो कि आई थिंक मेरे कल मेरे आई थिंक हो जाएंगे पूरे कम्प्लीटली, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे बढ़े जिस रेशियो से, तो कल कल मेरे पूरे हो जाएंगे 100 सब्सक्राइबर। सो बाकी मैं होता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी हुई तो मेरे को कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल चैनल सब्सक्राइब। सो कल मिलते हैं ऐसे बढ़िया से ब्लॉग के साथ। सो फिलहाल मेरे कोई फैमिली को मिलते हैं बहुत 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 प्यार भरा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। सो फ्रेंड्स, लास्ट एक साथ हम एंड करेंगे। सो फ्रेंड्स, कल मिलते हैं चलते चलते विथ गेट हाई फाई इन एयर।